हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आटे के मालपुए की रेसिपी, जो आज आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। होली पे आप इस तरीके से आटे के मालपुए बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही कम समय में ये बनके तैयार होगी। मेरे इस तरीके से आप आटे के मालपुए बनाएं, बिना देरी करते हुए आइए बनाना शुरू करते हैं। आटे का मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम एक कप गेहूं का आटा डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें 3 टेबल स्पून सूजी डाल देंगे, 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, 2 टेबल स्पून फ्रेश नारियल को हमने ग्रेट करके ले लिया है। इससे मालपुए का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर, सारी चीज़ों को मिक्स कर दे। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 1 ग्लास दूध ले लिया है। थोड़ा हम इसमें दूध डालेंगे और थोड़ा हम पानी डाल करके इसका घोल तैयार करेंगे। आप चाहे तो सिर्फ दूध से ही इसका घोल तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमने 1 ग्लास दूध लिया था, सारा दूध इसमें लग चुका है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। इसे डाल करके इसका घोल आप तैयार कर ले। ये लीजिए, हमने मालपुए का बैटर तैयार कर लिया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट पे रहने देते हैं, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। जब तक ये फूल रही है, तब तक हम चाशनी बना के रख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक बर्तन में चाशनी बनाएंगे। ये मैंने 1 कप चीनी लिया है। जिस कप के नाप से हमने चीनी लिया है, उसी कप के नाप से हम 1 कप पानी डाल देंगे। उसके बाद इसे हम घुलने देते हैं। चीनी हमारी घुलनी शुरू हो चुकी है। हमें एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस हमें चिपचिपाहट वाली चाशनी चाहिए। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चाशनी में चिपचिपाहट आ रही है। इसका मतलब है चाशनी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें कुछ धागे केसर के ऐड करेंगे। आप चाहे तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, इससे चाशनी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ढक करके हम रख देते हैं। अब चलते हैं, मालपुए के बैटर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बैटर हमारी अच्छे से फूल गई है। ये देखिए, हमें इसी तरीके का टेक्सचर चाहिए। अब चलते हैं मालपुआ बनाने की प्रोसेस पे। तेल मैंने गर्म होने के लिए दे दी थी। अब हम इसमें मालपुए का बैटर डाल देंगे। बिल्कुल हमें सेंटर में डाल देना है, इस तरीके से। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। हमें बैटर इधर उधर नहीं फैलाना है, बस सेंटर में डालना है और वो अपने आप शेप ले लेगी। जैसे ये नीचे की ओर सिक जाएगी, ये पैन को अपने आप छोड़ देगी। ये देखिए, नीचे की ओर ये सिक चुकी है, ये पैन को अपने आप छोड़ चुकी है। अब हम इसे पलट लेंगे। बिल्कुल हमें सावधानी से इसे पलट लेना है। उलट पलट करते हुए इसे आप दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर ले। ये देखिए, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए,
दूसरा भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। फिर से आप बैटर को बिल्कुल सेंटर में डालें इस तरीके से, और इसे नीचे की ओर सिकने दें। अब हम इसे भी पलट लेते हैं। ये देखिए, इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, दोनों तरफ मालपुए हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। इसी तरीके से मैं सारे मालपुए बना के रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे से ये बनके तैयार हुआ है। सारे मालपुए को हमने फ्राई कर लिया है। अब चलते हैं, इसे चाशनी में डाल देते हैं। अब हम चाशनी में मालपुए को डाल देते हैं। चाशनी हमारी हल्की गर्म है, उस टाइम पे ही हम मालपुए को डाल देंगे। अब इसे हम 10 से 15 मिनट इसे रहने देते हैं ताकि मालपुए में चाशनी अंदर तक अच्छे से चली जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं चाशनी मालपुए में अच्छे से चली गई है। ये हमारी सुपर सॉफ्ट आटे का मालपुआ बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये सारे मालपुए को हम चाशनी से निकाल लेंगे। थोड़ी सी इसके ऊपर चाशनी डाल देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। अब इसके ऊपर हम पिस्ता के कतरन डाल देते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसके भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप सर्व करें, बच्चे मांग मांग करके ये मालपुए आपसे खाएंगे और आप इसे घर वालों को खिलाए बहुत ही तारीफ करेंगे। तारीफें करते हुए थकेंगे नहीं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ बहुत ही ईजी रेसिपी के साथ। Thank you.